my channel. This is Roshan Chaturvedi from Just Academy. I hope you guys are doing really great. Till now, whatever the video that we have posted on our YouTube channel, if you have any kind of a doubt, you can connect me through the WhatsApp or call or visit to our website. Our website link is www.justacademy.com. Visit over there, go through all the courses and the curriculum which is present over here. So let's just start our today's session. I hope you guys aware that we have already started our Android app development playlist, in which already 3 videos we have already posted. This is the 4th video, and in this video we are going to cover up what is an activity life cycle. So first of all, वो जो पूरा सेंटेंस है एक्टिविटी लाइफ साइकिल, उसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टाइम में बोला था, एक्टिविटी मीन्स जो मतलब वेबसाइट के लिए पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट अस, जैसे पेजेस होते हैं, वैसे आपके एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में एक्टिविटी मीन्स स्क्रीन होता है। व्हाट डज इट मीन, एक्टिविटी इज इक्वल टू स्क्रीन, ओके। सो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग एक्टिविटी का लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्क्रीन की लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। अब लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल मीन्स कोई भी हमारा, जैसे जो चीज़ चालू हो रही है वो डेफिनेटली वो खत्म भी होगी, जो चीज़ चिंता हो रही है वो मरेगी भी। तो ये सारी चीज़ें ये लाइफ साइकिल होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। तो सपोज करो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्क्रीन देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि जैसे व्हाट्सएप में फ्लैश स्क्रीन देखो, आपका जहाँ पे कॉन्टेक्ट का लिस्ट दिखता है। अभी वो जब लिस्ट दिख रहा है, जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो तो एक्टिविटी आपको क्रिएट हो रही है, मतलब स्क्रीन क्रिएट हो रहा है। तो इसके अलावा कुछ स्टेट्स होते हैं, जैसे कि ऑन क्रिएट, ऑन रेज्यूम, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टॉप, ऑन स्टार्ट, ये सारे ना कुछ स्टेट्स होते हैं जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन या फिर जिसके थ्रू आपका एक्टिविटी मूव करता है। सो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, व्हाट इज एक्टिविटी लाइफ साइकिल, इट इज़ अ सीरीज ऑफ अ स्टेट थ्रू विच द एप्लीकेशन ट्रांजिशन हैपन। व्हाट इज एक्टिविटी लाइफ साइकिल, रिमेंबर दिस थिंग गाइस, इट इज़ अ सीरीज ऑफ अ स्टेट थ्रू विच आवर एप्लीकेशन मूव्स और ट्रांजिशन हैपन्स। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट वी डू नाउ। लेट्स जस्ट गो थ्रू, I have written some short notes and let us understand what are those things, okay? So मैं यहाँ पे नोट आपका ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसी स्क्रीन में आ जाते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती क्या है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल मीन्स एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ अ स्टेट थ्रू विच एक्टिविटी ट्रांजिशन हैपेंस। मतलब जितने भी स्क्रीन की ट्रांजिशन है वो उस स्टेट के थ्रू चलती है। अब टोटल यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टोटल 7 स्टेट्स हैं। अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स को हम लोग डाउन करते हैं। ऑन क्रिएट स्टेट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन रीस्टार्ट। अभी मैंने आपको एक सिंगल लाइन का डेफिनेशन लिखा हूँ, ऑन क्रिएट करता क्या है। ऑन क्रिएट कब कॉल होगा, ऑन क्रिएट तब कॉल होगा जब फर्स्ट टाइम एक्टिविटी क्रिएट होगी। मतलब आपने ऐप ओपन नहीं किया, आप जब फर्स्ट टाइम ऐप को ओपन करो तब ऑन क्रिएट कॉल होता है। तो जितने बार भी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम क्रिएट होगी तब आपको ऑन क्रिएट स्टेट कॉल होगा। सेकेंड ले लेते हैं ऑन स्टार्ट, ऑन स्टार्ट कब कॉल होगा, जब एक्टिविटी यूजर को विजिबल होगी। एक हो गया ऑन क्रिएट, जब एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, एक्टिविटी आपको दिख रही है। दूसरा हो गया कि ऑन स्टार्ट, जब एक्टिविटी लोगों को दिखना चालू हो जाएगी। ऑन रिज्यूम का मतलब होता है जब एक्टिविटी से यूजर इंटरैक्ट करना चालू करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जब वो कोई लॉगिन या यूज़र नेम या ईमेल आईडी पासवर्ड है, तो अब यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, वो आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल रहा है या बटन पे क्लिक कर रहा है, जब वो ऐसे इंटरेक्शन करेगा ना, तब आपका ऑन रिज्यूम स्टेट कॉल होता है। लेट्स मूव टू द अनदर स्टेट विच इज ऑन पॉज। ऑन पॉज कब कॉल होता है, सपोज करो आप कोई ऐप चला रहे हो व्हाट्सएप, उसी टाइम पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसी टाइम पे कुछ नोटिफिकेशन आ गया या फिर कुछ कॉल आ गया, तो आप क्या करते हो, सीधा कॉल उठाते हो, तो आपका ऐप क्या हो गया, वो फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में चला गया। क्या हो गया, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में चला गया। इस टाइम पे आपका ये स्टेट कॉल होता है ऑन पॉज।
नेक्स्ट लेवल से ऑन स्टॉप कब करो, जब यूजर को स्क्रीन दिखी नहीं रही है, मतलब आप एक लॉगिन स्क्रीन है और एक रजिस्टर्ड स्क्रीन है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करके किसी दूसरे स्क्रीन पे चल जाता है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एक रजिस्टर्ड स्क्रीन पे चला गया, तो आपका लॉगिन स्क्रीन दिखी नहीं रहा यूज़र को, तो उस टाइम पे लॉगिन स्क्रीन में कौन सा स्टेट कॉल हो जाएगा, ऑन स्टॉप। ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल होगा, जब हम लोग बैकग्राउंड से सारे एक्टिविटी डिलीट मार देंगे, बैकग्राउंड होता है जहाँ पर हम सारे एक्टिविटीज को डिलीट मार देते हैं और मेमोरी स्पेस खाली करते हैं, उस टाइम पे ऑन डिस्ट्रॉय स्टेट कॉल हो जाएगा। ऑन स्टार्ट कब कॉल होगा, जब एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है, स्टार्ट होने से पहले जब वो स्टॉप हो चुकी है तब ऑन स्टार्ट कॉल होगा। टेक्निकली ये जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स बेसिकली मेथड होते हैं। अगर आपको मेथड ये सारी चीज़ें समझनी है, वेरिएबल है, उसके लिए हम लोग एक प्लेलिस्ट चालू करेंगे जावा ट्रेनिंग का, वहाँ पे हम आपको मेथड बताएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक सिस्टम बना देता हूँ, एक सेंटेंस, एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मेथड को बता दीजिए। तो मेथड होता क्या है, मेथड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी लिखी जाए या कुछ प्रोग्रामिंग लिखी जाए। अब मेथड के लिए ना तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, MRM, जहाँ पे M stand for modifier, R stand for return type और M stand for method name। अभी modifier क्या होता है, modifier मतलब किसी को एक्सेस दे देना, जैसे कि एग्जांपल, जैसे आपके फ़ोन में अगर पासवर्ड नहीं है तो वो क्या हो गया, modifier उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या हो गई, विजिबल टू पब्लिक, मतलब एनीवन आपके फ़ोन में जा सकता है। अगर मैंने उसी जगह पे कुछ पासवर्ड डाल दिया तो ये प्राइवेट हो गया, कि आप जिसको जिसको पासवर्ड बताओगे वही यूज़र आपकी ऐप को देख सकता है, आपके अंदर एक्सेस कर सकता है चीज़ों को। सेम अगर मैं थर्ड सेक्शन पे जाता हूँ जहाँ पे प्रोटेक्टेड, जहाँ पे फेस लॉक या फिर सम काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट, अगर इस जगह पे जहाँ पे मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ चीज़ें, तब हम लोग प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं। तो मॉडिफायर ये हो गया, रिटर्न टाइप क्या हो गया, रिटर्न टाइप ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, मतलब ये जो जगह बनाई है ये इन रिटर्न आपको क्या दे रही है। अगर इन रिटर्न कुछ आपको नहीं दे रही है तो आप वॉइड लिखो, अगर कुछ रिटर्न कर रही है तो उसका डेटा टाइप मेंशन कर दो। ये हो गया इन रिटर्न की चीज़ें रिटर्न टाइप के। लास्ट आ गया मेथड का नाम, क्या मेथड का नाम क्या लिखते हैं। तो ये जो मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली मेथड्स हैं। क्या ये मेथड्स हैं, तो इसमें ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट, तो टोटल 7 की स्टेट्स हैं। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है या मुझे एक्टिविटी लाइफ साइकिल बताए, अब सिंपल बताइए एक्टिविटी लाइफ साइकिल पे, फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच द एप्लीकेशन ट्रांजिशन हैपन्स। अब टोटल इसमें 7 स्टेट्स होते हैं, ऑन क्रिएट होगा, ऑन स्टार्ट होगा, ऑन रिज्यूम होगा, ऑन पॉज होगा, ऑन स्टॉप होगा, ऑन डेस्कटॉप होगा, रीस्टार्ट होगा। तो टोटल 7 स्टेट्स हैं जो हम लोग एक्टिविटी लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं और उसको ये सारे स्टेट्स को हम ऑन कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग हमारे स्क्रीन पे जाते हैं जहाँ पे हम जितने भी हमने की स्टेट्स देखे थे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में, उस सारे की स्टेट्स को हम कॉल करते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि वो मैं कॉल किधर करूँ, जावा फाइल में, कॉटलिन फाइल में या फिर XML फाइल में। बेसिकली आप कॉटलिन या फिर जावा फाइल में कॉल कर सकते हैं। सिंस हम लोग जो ऐप बना रहे हैं हम लोग जावा फाइल यूज़ करके बना रहे हैं, जावा लैंग्वेज यूज़ करके, तो हम क्या करते हैं, ये आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक एक्टिविटी बनाया है जिसका नाम रखा है मेन एक्टिविटी। मैंने आपको प्रीवियस टाइम ये सारे आर्किटेक्चर्स बता दिए थे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बता दिए थे कि ऐप के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं, फिर ग्रेडल स्क्रिप्ट में क्या होता है। अभी ऐप के अंदर 3 फोल्डर है, मैनिफेस्ट, फिर उसके बाद जावा, फिर उसके जावा के अंदर फोल्डर्स हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे XML और जावा फाइल दोनों क्रिएट होता है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमने की स्टेट्स पढ़े थे, जिसको जिसको की स्टेट्स पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं और ईमानदारी से लिखेगा। तो जितने भी हम की स्टेट्स पढ़े थे वो यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो जो आपका मेन एक्टिविटी का क्लास फाइल है उसके अंदर ऑन क्रिएट की स्टेट्स ऑलरेडी कॉल है, क्योंकि जब भी आप एक्टिविटी बनाओगे ना तो उसमें ऑन क्रिएट की स्टेट्स ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये भी बोला था कि की स्टेट्स मतलब मेथड। अभी मेथड में क्या होता है, MRM, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम। मॉडिफायर क्या यूज हुआ है, प्रोटेक्टेड।
रिटर्न टाइप void और हमारा मेथड का नाम है onCreate। अभी सपोज करो हम on दूसरा की स्टेट कॉल करते हैं जिसका नाम है onStart। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस लिखना है onStart। अभी देखो onStart आ गया, एंटर मार दो। तो आपने क्या कर दिया, onStart का मेथड कॉल कर दिया है। अभी आप और भी मेथड ऐसे कॉल कर सकते हैं, onResume जो हमने अभी तक पढ़े हैं, onResume, फिर आप देख सकते हैं onRestart, ठीक है, फिर और क्या था, onDestroy, ठीक है। फिर अभी नीचे हम लोग चले जाते हैं, एक और हम लोग के पास की स्टेट से जिसका नाम है onStop, हमने onStop भी कॉल कर दिया। अभी देखते हैं कि हमारे और कितने की स्टेट्स अभी पेंडिंग हैं। तो हमने onCreate, onStart, onRestart, onDestroy ये सारी चीज़ें onStop कॉल कर दिया। तो अभी हम लोग onResume और onPause कॉल करते हैं। तो सिंपल, आप यहाँ पे जाओ, लिखो यहाँ पे onResume, आप देख सकते हो आपको onResume आ गया इधर। बेसिकली onResume हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल करके रख लिया है। तो अभी हम कौन सा की स्टेट सीखना बाकी है, onPause। तो अभी हम onPause लिख देते हैं। तो टेक्निकली आप जब एक्टिविटी क्लास फाइल बनाएंगे उसके अंदर टोटल 7 की स्टेट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इसमें से सारे की स्टेट्स बेसिकली मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं और सारे मेथड आप देख सकते हैं ओवरराइड मेथड है। ओवरराइड मेथड क्या होता है, जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब हम उसको पुराने कोड को मिटा के हमारा कोड डाल सकते हैं। तो ये हमारा ओवरराइड का मेथड होता है। आई होप आप लोग को ये सेशंस पसंद आया होगा जहाँ पे हम एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े। एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में कितने मेथड्स है वो सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पे हम थोड़ा डिज़ाइनिंग के बारे में समझेंगे, लेआउट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवरअप करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मेरा कैमरा मैन भी थोड़ा बोर हो रहा है, पता नहीं उसको तो कोडिंग समझता नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुभ खैर, जय श्री राम।